गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टेक बाइट में। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि हम किस तरीके से अपने लैपटॉप की या सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग कमांड के थ्रू अपने लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, सीपीयू कौन सा यूज़ हो रहा है, रैम हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, स्पीड क्या है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड के थ्रू किस तरीके से हम इस इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टार्ट पे जाके सब कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है CMD, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आना है। ध्यान रहे कि अगर आपका यूज़र के पास अगर एडमिन के ग्रुप की परमिशन है तो आपको ये नॉर्मली आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके एक नॉर्मल यूज़र है, स्टैंडर्ड यूज़र है, तो उस केस में आपका ये काम नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई कमांड के थ्रू अगर आप कोई कमांड कोई चलाना चाहते हैं तो हमेशा ये प्रिपेयर किया जाता है कि आप हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ही उसको यूज़ करें। ठीक है, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे। यस, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक कमांड टाइप करना है विच इज़ WMIC। ये एक यूटिलिटी होती है जिसके अंदर आपकी इनबिल्ट स्क्रिप्ट बनी होती है, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। ध्यान रहे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें इन डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमें WMIC एक यूटिलिटी होती है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ और बेटर कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए कि ध्यान रखें कि WMIC एक टूल है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड लाइन। अब ये आपकी बनी बनाई स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम की या फिर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो कि कैसे हम सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, ये कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मदरबोर्ड डिटेल। अगर मुझे अपने मदरबोर्ड की डिटेल निकालनी है तो आपको ध्यान दें कि WMIC कमांड लिख के एंटर करना है, और उसके बाद आपको इस कमांड को टाइप करना है। आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि आपके मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंटर कीजिए। अब देखिए इसके अंदर आपकी मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपका मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है, उसका बेस बोर्ड क्या है, लिनोवो मेरा आइडिया पेड यूज़र है, और मेरे लैपटॉप का सीरियल नंबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ इस कमांड से। नेक्स्ट कमांड है हमारा CPU की डिटेल। अगर मुझे अपने CPU मुझे पता करना है कि मेरे इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, उसका क्या स्पीड है, तो उसके लिए हम CPU गेट नेम टाइप करेंगे। कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे और एंटर। तो देखिए मेरे इसके अंदर कोर i5 का प्रोसेसर लगा हुआ है, 6th जनरेशन है, और इसका जो स्पीड है वो है 2.30 GHz। तो इस तरीके से हम CPU की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। अगली जो कमांड है विच इज़ रैम के लिए, अगर मुझे कि रैम की डिटेल निकालनी कि रैम कौन सी लगी हुई है मेरे इसके अंदर, कितनी स्पीड है उसकी, उसका स्पीड वगैरह क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितने रैम मेरे लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ से कॉपी कीजिए। सॉरी ये मॉडल नहीं है, स्पीड है ओनली, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। सॉरी, यहाँ से कॉपी करते हैं और हम चलते हैं वापस यहाँ से पेस्ट करते हैं। इसमें क्या है, मेमोरी चिप की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें डिवाइस लोकेटर कैपेसिटी और स्पीड आएगी। देखिए सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बता रहा है हमारे को, सबसे पहले बता रहा है कि कैपेसिटी, डिवाइस लोकेटर एंड स्पीड। अब हमारे इसमें डिम रैम लगी हुई है, यानी डिम के स्लॉट्स लगे हुए हैं, और जो कैपेसिटी है वो 4GB है, यानी हमारे इसमें मेरे लैपटॉप में दो रैम लगी हुई हैं 4 GB की, और इसकी स्पीड क्या है 1600 मेगाहर्ट्ज़। तो ये आप इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्या रैम लगा हुआ है, कितनी रैम लगी हुई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस कमांड से देख सकते हैं। ठीक है, अगली जो कमांड है विच इज़ OS डिटेल। अगर मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल निकले, वैसे तो नॉर्मली हम राइट क्लिक करके कॉपी माई कंप्यूटर पे जाके वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर हमें इसको निकालना है तो हमें OS गेट कैप्शन OS आर्किटेक्चर कमांड देना होगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट।
थिंक कॉपी नहीं हुआ है, तो दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन राइट क्लिक पेस्ट एंटर। इसमें मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 प्रो चल रहा है एंड देन इसका 64-bit मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से आप OS की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। अगली जो कमांड है विच इज़ हार्ड डिस्क डिटेल, अगर मुझे हार्ड डिस्क की डिटेल निकाली, कौन सी कंपनी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, इसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है, साइज़ कितने कैपेसिटी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो वो मैं इस कमांड से निकाल सकता हूँ। हार्ड डिस्क गेट मॉडल एंड देन उसका साइज़। वापिस चलते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंटर। तो ये देखिए WDC का मेरा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, इसका ये मॉडल नंबर है एंड देन साइज़ मेरा 1 TB का है। ये बिट्स में शो करता है आपको, कैपेसिटी जो आपको बिट्स में शो करता है, तो आप यहाँ से आप अपने हार्ड डिस्क की डिटेल भी देख सकते हैं। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो है इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की। आपको ये पता करना है कि आपके सिस्टम के ऊपर कितनी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी क्या क्या एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमांड क्या डालना होगा, प्रोडक्ट गेट नेम। इसमें ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगी उतना ही ज़्यादा टाइम इसको लगेगा थोड़ा सा डिटेल्स को कैट करने में। तो हम यहाँ से इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, शायद कॉपी सही से नहीं हुआ है, तो जस्ट कॉपी वापस से चलते हैं हम अपने इस पर, राइट क्लिक पेस्ट एंटर। थोड़ा वेट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई आपके सिस्टम के ऊपर कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। मैंने कमांड कहाँ पे चलाया था, मैंने कमांड ये चलाया था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमटस स्टूडियो, जावा इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन चल रहा है इसका, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शो कर रही है, मेरी इस स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे ये डिटेल देनी होती है अपने मैनेजमेंट को, कि या फिर ये निकालनी होती है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने किसी नोटपैड की फाइल में सेव करूँ, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा कमांड आपको टाइप करना है, यहाँ से मैं सबसे पहले एग्जिट करूँगा, ठीक है। एग्जिट करके मैं पहले मैंने क्या किया था, WMIC टाइप किया था, वो स्टार्टिंग में याद होगा, मैंने यहाँ पे टाइप किया था WMIC एंड देन एंटर। उसके बाद मैं विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट कमांड लाइन के अंदर आ गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्टॉल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी एप्लीकेशन में सिस्टम पे चल रही है, ये मैं एक नोटपैड पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैं उस चीज़ के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा और मैं नॉर्मल कमांड लाइन पे आऊँगा, ठीक है। पहले हम WMIC के टूल के अंदर थे, अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ गया हूँ। तो मुझे ये करना है कि मैं अपने इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन मैं निकालना चाहता हूँ एक नोटपैड की फाइल में। तो मैं उस चीज़ के लिए क्या करूँगा, सेम आपको यही कमांड टाइप करनी है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लिखना है WMIC, अब एंटर नहीं मारना है आपको, WMIC टाइप करना है, और ये जो कमांड है प्रोडक्ट गेट नेम की, ये कमांड आपको यहाँ से ऐसे टाइप करना है, ठीक है। और उसके बाद स्पेस देके अब आपको डबल ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब आपको बताना है कि आपको इस फाइल को कहाँ स्टोर करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो सी ड्राइव में स्टोर हो, सी कॉलम बैकस्लैश लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के नाम से .txt। ध्यान रखना जिस फॉर्मेट में आपको फाइल को सेव करनी है, जैसे मुझे टेक्स्ट नोटपैड की फाइल में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे नोटपैड के लिए txt लिखा है। अगर मैं चाहता हूँ इसको एमएस वर्ड में टाइप करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एमएस वर्ड का DOC docx लिखना होगा या doc लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि इस फाइल को कौन से एप्लीकेशन पर सेव करना चाहते हैं। मैं इसको नोटपैड में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इस केस में यहाँ पे txt लिखूंगा और मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस कमांड के बाद क्या होगा कि सी ड्राइव के अंदर एक इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के नाम से एक फाइल बन जाएगी, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे, जो आउटपुट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहा था, वो सारी आउटपुट मेरी कहाँ पे सेव हो जाएगी, नोटपैड की फाइल में। अभी हम देख लेते हैं, ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड है। अब हम जाएंगे अपने सी ड्राइव पे चलते हैं, और सी ड्राइव में सबसे देखिए लास्ट में मैंने एक फाइल जिस नाम से आप देख सकते हैं, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के नाम से, अब यहाँ पे देख भी सकते हैं इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के नाम से। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे
ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट पैड में मिलेगी। तो ऐसे ही अगर मान के चलिए कि मुझे अपने हार्ड डिस्क की डिटेल भी निकालनी है थ्रू नोट पैड में ही, जो मैंने अभी कमांड मैंने चलाया था, तो सब आपको करना क्या है, आप जैसे ये हार्ड डिस्क की डिटेल चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं हार्ड डिस्क की डिटेल को मैं ऐसे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ से फिर से वही WMIC लिखूँगा और कमांड पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं उसको बताऊँगा कि मुझे ये कहाँ पे चाहिए। डबल गेटर का साइन लगाएंगे, सी ड्राइव टाइप करेंगे, CD कुछ भी कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं, मैं एक अपने सी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ। फाइल का नाम मैं ले लेता हूँ हार्ड डिस्क इन्फो और .txt। अभी आपको देख सकते हैं कि मेरे ई ड्राइव में कोई भी हार्ड डिस्क नाम की कोई ऐसी फाइल नहीं है। अब मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे नहीं नोट पैड की, सिर्फ एक ही फाइल चल रही नोट पैड की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब मैं एंटर मार देता हूँ तो देखिए कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है और यहाँ पे एक हार्ड डिस्क इन्फो के नाम की फाइल बन गई है। इसको डबल क्लिक कीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो ये इन्फॉर्मेशन आप नोट पैड पे भी सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल का नाम मत भूलिए, दिस इज टेक बाइट। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।